नमस्कार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का कार्य करे। लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में सत्ता की आड़ लेकर कुछ जमीन कारोबारी अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। इन जमीन कारोबारियों के खिलाफ कई मामले थाने से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर लगातार 2 साल से महिला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, आइए सुनते हैं। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। माया देवी है, मेरे पति स्वर्गीय विजय सोनी थे। अब उनके गुजर जाने से ये लोग भू माफिया जो है अभिषेक भार्गव, मकसूद इलाही, ताहिर रहवर इलाही, ये लोग हर सब मिल के हमारी जमीन को अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। माननीय कमिश्नर कोर्ट से स्टे लगने के बावजूद हम परेशान हो गए हैं और बार बार 112 बुलाते हैं और ये छुप जाते हैं पीछे जेसीबी रखे हुए हैं, सब चीज़ रखे हुए हैं। और एक ट्रक ईटा गिर रही थी, उसका वीडियो भी कर रहे हैं पुलिस वाले, मगर कोई को हाथ नहीं लगा रहे हैं। ये विधायक के आदमी हैं और ये उन्हीं लोग का ये काम है। ये रवि सर, मुझे पता लगा कि ये रवि शर्मा के आदमी हैं, ये अभिषेक भार्गव। और ये और मैं वहीं रहती हूँ, 514/1 है उन्नाव गेट बाहर, अंजनी माता के मंदिर से नीचे लेफ्ट में मेरा ज़मीन है 4.5 एकड़ की। उस पर अभी अवैध कब्जा कर रहे हैं, ईंट गिराए हुए हैं, बालू है। बार बार मैं एक हफ्ता से 112 बुला के भगवा रही हूँ, मगर ये मैं इधर आ जाती हूँ कचहरी में, उधर अभी जैसी भी और ईंट बालू गिरा के मजदूर बैठाए हुए हैं, काम करा रहे हैं। आज कहाँ है? आज मैं वो कल सीओ बैठे थे थाना में, 112 बुला के पकड़ा के, तो रास्ते में वो 112 वाले उनसे सांठ गांठ करके छोड़ दिए। सीओ साहब बैठे हुए थे थाना में, हमने बोला कि वो आप देखिए वहाँ पर बैठ के काम फिर करा रहे हैं। स्टे आदेश की अवहेलना हो रही है, कोर्ट का मान ही नहीं रहे, ना कोर्ट का आदेश मान रहे ये लोग। तो वो बोले कि हम ये मेरे मुझे ही डांटने लगे कि आप जाओ यहाँ से भागो, आपका नाटक है यहाँ पर रोज़ 112 बुलाते हैं। ऐसे कल मुझे डांट के भगा दिए। मैं जाऊँ तो कहाँ होगा, मेरा ज़मीन जब बेच जाएगा, मैं विधवा महिला, जब से मेरे पति गुजरे मैं परेशान होकर के इन लोग के पीछे भाग भाग के थाना में, कभी DM साहब को।